Dear student, I am a teacher of Cantwell University School. I am a teacher of mathematics. I teach you lesson 6, chapter 6. Okay. Our first chapter name is number system. So, first chapter name is what is it? Notation. What is notation? नोटेशन क्या है? नोटेशन का है राइटिंग नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। मतलब किसी भी नंबर को जैसे ये वर्ड में 1, 2 ये वर्ड में अगर इनको हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करें जैसे सिंबॉलिक फॉर्म 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इसी को हम कहते हैं नोटेशन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन अगर इन सिंबल्स को हम वर्ड्स में राइट करें इनको कहते हैं न्यूमरेशन। जैसे 1, 2, 3 इन्हें कहते हैं न्यूमरेशन। ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेपरेट पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम द वेरियस पीरियड्स। जैसे हमारा जो अपने वहाँ इंडिया में हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो पढ़ाया जाता है वो जो पीरियड्स होते हैं 1, 10, 100 अगर आप देखोगे तो ये हमारे 1 पीरियड एक पीरियड कहलाता है। उसके बाद से 1000 का होता है 1000 10,000 नेक्स्ट पीरियड लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इस तरह से पीरियड चले जाते हैं। जैसे अब 2, 3, 5, 6 ये नंबर थे पहला हमारा ये इस तरह से हम कॉमास यूज करते हैं। ये हिंदू अरबी सिस्टम और ये हमारा पीरियड्स का लगता है फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ इस तरह से पीरियड चलते जाते हैं। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन न्यूमरेशन। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू मतलब अगर इसमें कोई पूछे इस क्वेश्चन में कहा है कि इसमें 5 का फेस वैल्यू क्या होता है 5 यानी जो जितना है वही फेस वैल्यू यहाँ पर और इसमें 5 का फेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर इस नंबर में 5 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 5 होगा। अगर पूछा जाए प्लेस वैल्यू नेक्स्ट हमारा प्लेस वैल्यू इस नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 5 किस प्लेस पर 1, 10, 100, 1000 के प्लेस पर तो ये इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5 का 5000। ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे वर्ड में लिखे हुए हैं एक्सरसाइज 1A। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 9000 18 100 के प्लेस पर 0 है 10 के प्लेस पर 1 है एंड 1 के प्लेस पर 8 है 9018 ऐसे इसको राइट करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। इनको वर्ड्स में राइट करना है 63,005 इनको वर्ड्स में राइट करना है इनको वर्ड में 63,005। ओके। okay.
क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ये जो नंबर है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है. 15,768 वन किसके प्लेस पर? 10,000 के प्लेस पर. 10,000 5,000 के प्लेस पर 5 × 1,000 700 के प्लेस पर है तो 7 × 100 प्लस 6 10 के प्लेस पर है तो 10 एंड प्लस 8 1 के प्लेस पर है ऐसे राइट. इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हुए चले जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी कौन ठीक इस फॉर्म में दिए हुए हैं, इस फॉर्म में दिया है और इस फॉर्म में राइट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 219 क्वेश्चन नंबर 5 है. नंबर दिया 7952 0986 0986 में इसमें बोला कि जो दो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 296 296 यहां पर और 19 यहां इनका तो प्लेस वैल्यू ऑफ 296 का है. ये वैल्यू ऑफ 2 9 इक्वल टू एक का है 1 10,000 10,000 lakh एंड सेकेंड वाले का है 100 50 900 हो गया डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख. क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख. सबसे पहले 1 lakh राइट कर लाख ओके. अब काउंट करोगे 1 10 100 1000 10 10000 मेक अ लाख. देख सकते हो आप 10 10000 मेक अ लाख ओके. क्वेश्चन नंबर 17 है. कुछ क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ड्रॉप किए जा रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क है. राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 4, 0, 3, 6 and 9 इन डिजिट्स के हेल्प से आपको लार्जेस्ट डिजिट फॉर्म करना है ओके. गिवन डिजिट्स इज गुड क्वेश्चन नंबर 17 गिवन डिजिट्स है आपके 2, 4, 0, 3, 6 and 9 इन डिजिट्स के हिसाब से आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है. लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू सबसे इसमें लार्जेस्ट नंबर जब फाइंड करना है तो सबसे लार्जेस्ट डिजिट को फर्स्ट टाइम लेंगे 9 अब उससे छोटा 6 उससे छोटा 4 3 2 0 ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर ओके. तो आते हैं हम एक्सरसाइज 1B पे.
1B1A से ही रिलेटेड क्वेश्चन, बस उसके थोड़े इसे चेंज किया इसमें से। एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन पहला है, फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल लेस देन आर ग्रेटर देन। यानी सिंबल यूज करना होता है ना, कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट आप देखोगे, ये नंबर ऐसे बताना है कि नंबर ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है। सबसे पहले डिजिट्स को काउंट करते हैं, कितने डिजिट का ही नंबर है, तो 2 2 4 2 6 1 7, ये 2 2 4 2 6, ये 7 डिजिट का नंबर और ये 6 डिजिट का। तो अभी हमसे सिंपल ये नंबर इजी में समझ में आ रहा है कि ये नंबर बड़ा हो, इस तरह सिंपल यूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, 6355 7355 0101। एक और नंबर बेसिकली कमी इस डिजाइन में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये नंबर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो सबसे पहले हम इसके डिजिट्स काम करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 डिजिट का नंबर है, 2 2 4 2 6 1 7, 7 डिजिट का नंबर है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 8 डिजिट का नंबर है, 2 2 4 2 6 1 7। इसमें हम देखते हैं कि दो, एक ये नंबर और ये नंबर 8 डिजिट्स के हैं, और ये आपके 7 7 डिजिट्स के नंबर हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे पहले बड़े नंबर को उससे उसके बाद छोटे नंबर को हम राइट करेंगे। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन, इन दोनों में बड़ा कौन है। इस यहाँ पर ये भी 6 है, ये भी 6 है, इक्वल हो गया, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 5 5 2 1, यहाँ पर 2 है और ये 1 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, ऑब्वियस ये हो गया। सबसे पहले हम राइट करेंगे इसको, ठीक है, 6 3 5 2 1 0 4 7 ग्रेटर देन 6 3 5 1 4 7 5 9, ग्रेटर देन, इन दोनों का तो हो चुका। अब इन दोनों में काम करते हैं, ये भी 7, यहाँ भी 7, 3 3 5 5 4 5, तो भी ऐसे 5 यहाँ पर, ये नंबर बड़ा होगा, 7 3 5 5 0 1 4, ग्रेटर देन 7 3 5 4 2 0 6, ऐसे आप अरेंज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक ठीक इसका उल्टा सेम प्रोसेस सेम होगा, बट छोटे से बड़े में राइट करना है। ओके, एक्सरसाइज 1B भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं, कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का। वन सी क्वेश्चन फर्स्ट है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 कंसेक्यूटिव इयर्स आर 1,37,89,509 एंड
माता वैष्णो देवी की यात्रा पे पहले साल लोग 1,37,89,509 रुपए, सेकंड ईयर उसके जस्ट दूसरे साल 1,29,96,498 लोग गए दर्शन करने के लिए। बताइए कि इन दोनों सालों में कितने लोगों ने माता वैष्णो देवी का दर्शन किया। ठीक है, हो गया सर, ऐड करना है। इसको कैसे ऐड करेंगे? फर्स्ट नंबर persons visited by the holy shrine of Mata इतने लोगों ने इन दो सालों में माता वैष्णो देवी। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस 8,87,65,435 बाइसिकल्स। नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस वाज 13,78,689 मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर। कह रहा कि कंपनी है जो पहले साल 87,65,435 बनाया, अगले साल वह 13,78,689 और अधिक, यानी पिछले साल जितना बनाया उतना तो बनाया, उसके अलावा भी 13,78,689 साइकिल्स उसने और भी अधिक बनाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी बाइसिकल्स वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टू ईयर, ड्यूरिंग द टू ईयर एंड इन दो सेकेंड ईयर। क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि बताइए कि कंपनी ने दूसरे साल में कितने ये बाइसिकल्स बनाए। नंबर ऑफ पिछले साल जो बनाया वो और सेकेंड ईयर में पिछले साल जितना बनाया उतना तो बनाया प्लस और 13,78,689 और अधिक बाइसिकल्स उसने बनाया। क्या करेंगे हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। Five, 9, 14, 8, 3, 11, 1, 12, 4, 6, 10, 1, 11, 5, 8, 13, 1, 14, 6, 7, 13, 1, 14, 10, 3, 10, 1, 11, 8, 1, 9, 1, 10.
इस कंपनी ने दूसरे साल में इतने बाइसिकल्स बनाए। फिर इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइसिकल्स वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टू इयर्स, यानी दूसरे इन दोनों सालों में इस कंपनी ने कितने बाइसिकल बनाए। तो फर्स्ट ईयर इतना बनाया एंड सेकेंड ईयर इतना बनाया, इन दोनों सालों में इन दोनों क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो सेकेंड पूछ रहा उसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2,87,53,604। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज 1,69,87,059, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर में टोटल जनसंख्या 2,87,56,304 है और उस शहर में मेल्स हैं आपके 1,69,87,059, तो बताइए कि फीमेल्स की संख्या क्या है। तो नंबर ऑफ फीमेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ मेल्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है। ओके, तो 49 सब्ट्रैक्ट होगा 5, 9 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 4, 2, 16 से 7, 9, 14 से 8, 6, 16 से 9, 7, 7 से 6, 1, 1। यानी सात सिटी में पॉपुलेशन क्या नंबर ऑफ फीमेल्स कितने होंगे, 1,17,69,245. Next question है, the sum of two numbers is 10,75,00,000, 1,07,50,308. If one of them is 89,65,519, what is the other number? यानी दो numbers का sum 1,07,50,308 है, उनमें से एक नंबर है आपका 89,67,519, तो वह दूसरा नंबर बताइए। जैसे वो एक एग्जांपल के तौर पे दो नंबरों का सम अगर 10 है, उनमें से एक नंबर 7 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वह दूसरा नंबर हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाना है, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वह नंबर आपको फाइंड हो जाएगा। नंबर इक्वलिटी हो गया आपका 9 सब्ट्रैक्ट होगा, 9 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 8, 12 से 5 7, 9 से 7 2, 14 से 6 8, 16 से 9 7, 9 वो अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹1,485, हाउ मच विल 669 सच चेयर्स। वो कह रहा है क्वेश्चन एक चेयर का कॉस्ट है 1,485, अगर इस तरह के 469 चेयर्स का कॉस्ट क्या होगा।
इक्वल टू है आपका रुपीज 1485। देन कॉस्ट ऑफ 469 सेल्स स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 69 चेफ इक्वल टू रुपीज 1485 मल्टीप्लाइड बाय 469। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट रुपीज 6,82,51,500, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट। क्वेश्चन कह रहा है कि 36 फ्लैट का कॉस्ट है 6,82,51,500, तो एक फ्लैट का कॉस्ट क्या होगा? आप मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 23 फ्लैट्स इक्वल टू आपका रुपीज 36 फ्लैट है, इसको रिड्यूस करते हैं। 6 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
1,95,875 का कॉस्ट होगा। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पीस? पूरा एक रोप की लंबाई 10 मीटर है और उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो बताइए हर एक पार्ट का क्या लेंथ होगा? क्वेश्चन नंबर लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 10 मीटर है, इट डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पीसेस, देन लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू पीस ऑफ रोप इक्वल टू 10 मीटर डिवाइडेड बाय 8, द 1.2 × 2.8 × 4.85 मीटर। ओके, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन जो ड्रॉप किए जा रहे हैं आपके होमवर्क के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आते हैं, आप एस्टिमेशन के बारे में जानना है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिश करें कुछ बेसिक ठीक है उसके बता देते हैं। एक्सरसाइज 1D 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1 2 3 4 5 5 ये एंड 1 ये 5 का दो पेयर में है। इसका भी आपको निशान आना है जब ये राउंड हिट करेंगे तो समझ में। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। फर्स्ट क्वेश्चन है 36। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि इसको 10 के नियरेस्ट एस्टिमेट करिए। तो 10 के पहले क्या आता है, वंस आता है। तो हम वंस के वंस प्लेस के डिजिट्स को देखेंगे कि अगर वो इनमें से कोई है तो इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वही सेम होगा, और इनमें से अगर वह कोई नंबर है तो जस्ट यहाँ पर जो भी नंबर होगा वह एक नंबर एक्सिट कर जाएगा। मतलब आप देखोगे 5 6 है, यानी इस ग्रुप में आ रहा है 6 है, यानी यहाँ पर जो भी नंबर होगा वह एक नंबर एक्सिट कर गया, यानी 3 है तो यहाँ पर क्या जाएगा 4 हो जाएगा और इसके जगह 0 40 हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसके तरीके हैं लिखने के। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 36 इज एस्टिमेटेड टू 10th इक्वल टू 14, ऐसे राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। 100 के नियरेस्ट इसको राउंडेड करना है। क्वेश्चन है 8 1 4, इसको 100 के नियरेस्ट राउंड करना है। तो 100 से पहले कौन सा क्या आता है, 10 आता है। तो यहाँ पर 10 के प्लेस पर क्या है, 1। वह किस ग्रुप में, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में। तो ऑब्वियस इसके जस्ट 100 का प्लेस, 100 के प्लेस पर जो नंबर होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस ग्रुप में होता तो 100 के प्लेस पर जो भी नंबर होता वह 1 इंक्रीज कर जाता, एक्सिट कर जाता, यानी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। ये आपका हो गया 800। सो 814 एस्टिमेटेड टू 100 इक्वल टू आ गया आपका 800। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 के लिए आप क्या दोगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए 1000 का था 793, इसके 100 के प्लेस पर 7 इस ग्रुप में आता है। तो यहाँ पर आपका इमेजिन करो 0, तो 0 जस्ट बात क्या आएगा 1, तो 1000 हो गया। नेक्स्ट है 10000 क्वेश्चन, कह रहा है कि नेक्स्ट 10000 के नियरेस्ट करना। तो 1 7 5 1 4 5 1 4 10000 के, तो हम 10000 के नियरेस्ट, तो 10000 ये अब 10000 के पहले क्या आता है, 1000 आता है। 1000 के प्लेस पर देखें कौन सा नंबर है, 37 ग्रुप में आता है। तो 10000 के प्लेस का जो भी नंबर हुआ वो एक एक्सिट कर जाएगा। तो 1 2 ये ओके, बात कि सब इसी बेस पर है। क्वेश्चन अभी से आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एस्टिमेट इज सम टू द नियरेस्ट 10, एंड ये जो सम्स दिए हुए हैं इनको 10 के नियरेस्ट 57 प्लस 34। अगर 57 को नियरेस्ट 10 के नियरेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 34 पर नियरेस्ट 10 करेंगे तो 30 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हमारा हो जाएगा। इसी बेस पे सभी क्वेश्चन हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, सीधे आगे जो भी क्वेश्चन छोड़ है थोड़ा जा रहा है वो इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पे भी रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंस निकालना है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 23, 53 माइनस 18, इसको भी क्या करना है, एस्टिमेट इच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10 के नियरेस्ट। 53 50 के नियरेस्ट है और 18 20 के नियरेस्ट है। 50 में से 20 सबट्रैक्ट हो गया तो आपका कितना होता, 30। ओके, एक्सरसाइज 1 ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1E में आते हैं। 1E भी 1D से ही पूरी तरह से रिलेटेड है। अभी तक आप ऐड और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन है और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिवीजन जानना है। इसलिए अगर आप ये वाला चीज समझ जाओगे
वन डी वन ई एंड वन एफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वन ई में है। क्वेश्चन बोल रहा है एस्टिमेट ईच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग अप ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10, 10 के नियरेस्ट इसको राउंड अप करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 38 मल्टीप्लाइड बाय 63, तो 38 8 इस ग्रुप में आता है तो 3 4 हो जाएगा, 40 हो गया। एंड ये 3 है, कौन से प्लेस पर 3 इस ग्रुप में आता है, 3 से कोई चेंज नहीं होगा। 6 4 है 24 एंड डबल 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आप देख लो 54 मल्टीप्लाइड बाय 47। ओके, ये 4 इस ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है, ये 50 हो गया, और ये 7 इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा, तो 1 इंक्रीज कर जाएगा तो 50 हो गया। 55 है 25 एंड 00। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा चेंज कर, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब 100 के नियरेस्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप 376 मल्टीप्लाइड बाय 123, इसको 100 के नियरेस्ट एस्टिमेट करके तब मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से पहले 10, 10 के प्लेस पर क्या 7 है, तो ऑब्वियस ये 1 नंबर इंक्रीज कर जाएगा, तो ये हो गया आपका 400। और यहाँ का 10 के प्लेस पर क्या 2 है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये क्या होगा 4 2 4 1 2 4। ओके, एक और इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 264 मल्टीप्लाइड बाई 147, इसको भी नियरेस्ट 100 करना है। तो 10 के प्लेस पर 6 है, तो ऑब्वियस ये 1 इंक्रीज कर दिया, ये हो गया 300। और यहाँ पर 1 के प्लेस 10 के प्लेस पर 4 है, इस ग्रुप में बिलोंग करता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 3 जाए 3 1 2 3 4। क्लियर है। नेक्स्ट अब आता है इसमें, अब थोड़ा सा कुछ अलग किया है क्वेश्चन में, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड एंड द सेकंड नंबर डाउनवर्ड, यानी ये जो नंबर है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा, 183 मल्टीप्लाइड बाय 154, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया, कारण पहले वाले नंबर को अगर अपवर्ड में लेके जाए और सेकंड वाले नंबर को हम डाउनवर्ड के में लेके जाए और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें, तो अपवर्ड 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 नंबर 183 इक्वल टू हो गया आपका 200, और ये इसको करना है डाउन, estimated product equal to 200 multiplied by 100 equal to 2 4 times 0। हो गया, बाकी सब इसी पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 फिर चेंज कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 18 तक इसी बेस्ड कर रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 19 से चेंज कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड एंड सेकंड नंबर अपवर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 21 तक इसको डाउनवर्ड में करना और इसको अपवर्ड में करना, फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1G, और ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, कुछ समरी है जिसको हम जान लेते हैं। कुछ समरी जानते हैं, 1 को हम I से डिनोट करते हैं, 5 को B से,
10 को x से, 50 को l से, 100 को c से, 500 को d से एंड 1000 को हम m से डिनोट करते हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है रोमन न्यूमरल्स के लिए। और भी कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स ये है कि ओनली i, x, c एंड m कैन बी रिपीटेड। केवल i, x, c एंड m इसी नंबर्स को हम रिपीटेड करेंगे। मतलब जैसे अगर हमको 6 लिखना हो या 7 लिखना हो तो हम i को रिपीट कर रहे हैं, 20 लिखना हो तो दो बार x को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, 200 लिखना हो तो हम 2 टाइम्स c को रिपीट करते हैं, 10,000 अगर 2000 लिखना हो तो m m इस तरह से राइट करते हैं। कभी आप ये देखे हो इस तरह से या l l ऐसा या d d, ये क्या गलत है, ये नहीं करते हैं। यानी ओनली i को रिपीट करते हैं, x को i x c और m को ही रिपीट करते हैं, बाकी ये जो बच जा रहा v l और d इनको हम रिपीट नहीं करते हैं। ओके, ये हमेशा याद रखो, कभी मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट है v l एंड d आर नेवर रिपीटेड। ये तो ऑलरेडी समझा चुके हैं। नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। और एक सिंबल को 3 बार से अधिक बार रिपीट नहीं करते हैं। जैसे अगर हमें 8 लिखना हो i को 3 टाइम्स, 30 लिखना हो तो x को 3 टाइम्स, अगर 40 लिखना हो तो ऐसा थोड़ी नहीं होता कि हम इसको 4 टाइम्स राइट करते हैं, नहीं, गलत है। या फिर अगर हमें 9 लिखना हो तो 4 टाइम्स i को लिखते हैं, नहीं, गलत है, ये दोनों गलत है। तो किसी भी लेटर को हम मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। ओके, अब आते हैं हम सीधे एक्सरसाइज 1 जी में। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रोमन न्यूमरल्स। 2 का रोमन न्यूमरल्स राइट करना है, 2 का i प्लस i ऐसे राइट कर लें। 8 का pi प्लस i प्लस i प्लस i g i ऐसे राइट करते हैं। बाकी ये तो आप ऑलरेडी राइट करते हुए आ रहे हो। 105 अगर राइट करना हो इसी में है आपका 14 105। तो 100 के लिए हम c और 5 के लिए d राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट 164। ये भी क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड में आते हैं, है हमारा फर्स्ट 164। तो 100 के लिए क्या राइट करते हैं, c, 50 के लिए l, 10 के लिए x एंड 4 के लिए i, d। 100 प्लस 50 150 प्लस 10 160 प्लस 4 164। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये रोमन न्यूमरल्स में है, इसको हिंदू अरेबिक में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 x x x x b i i i x x 20 5 और 2 20 10 plus 10 plus 5 plus 1 plus 1 equal to add करो कितना होगा 27। ये एक्सप्लेन करने वाला है, बाकी आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्राई कर सकते हो। एक और ट्राई कर लेते हैं, x x x i d 10 plus 10 plus 10 plus 4 34 ऐसा आपको राइट करना। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। So that each of the following is meaningless, give reason in each case। जैसे बोल रहा BC, BC दिया, इसको बताना है
बीसी कि क्यों मीनिंगलेस है। तो ये अभी इसके समरी में आपको बताया गया है कि वी एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो सॉरी वी एल और डी को कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। जी आप ऑलरेडी क्या सी में से वी को सब्ट्रैक्ट करने से मतलब क्या कि ये यार 95 राइट करना चाहता है, तो इसलिए ये गलत है, कभी भी रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट है आई एल। आई के बारे में भी यही कहा गया है कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। आई को केवल हम वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए यह भी गलत है। नेक्स्ट है आपका इसका वी वी आई आई। तो अभी बताया गया है कि वी वी यानी दो बार वी आया है, तो वी एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होता, इसलिए यह भी गलत है। और इसका लास्ट है आई एक्स एक्स, ठीक है। तो आई एक्स कैन नॉट अकर टू बी लेफ्ट ऑफ एक्स, यानी आई एक्स एक्स के कभी भी लेफ्ट में नहीं होगा, कभी भी होगा आई एक्स अगर लिखाएगा तो एक्स के राइट साइड में लिखाएगा, ना कि लेफ्ट साइड में। ओके, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर कुछ भी बहुत सारे क्वेश्चन ड्रॉप किए गए जो आपके होमवर्क के लिए हैं, उसमें भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नंबर दिया जाएगा स्कूल के नंबर से, आप कॉन्टैक्ट करेंगे फिर उनके द्वारा ये ऑप्शन दिया जाएगा कि कहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट करने से बाकी सब क्वेश्चन को समझाया जाएगा ऑनलाइन। ओके, थैंक यू।